हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नीट पीजी 2021 प्लान। ये प्लान सबके लिए एप्लीकेबल है। सबको पता है कि हम एक साल से कोई जॉब के साथ, कोई फैमिली के साथ नीट पीजी की तैयारी कर रहे थे, बट व्हाट हैपेंड कि पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम। तो हमें क्या करना है? अब ये हुआ कि अब हम सब बोर हो गए हैं, डीमोटिवेटेड हो गए हैं, या पढ़ने की टाइम नहीं है। वॉट एवर इज़ डूइंग ऑन, वी आर नॉट स्टडिंग राइट नाउ। चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि कब एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स नहीं है, बट अगर एस्टिमेटेड एग्ज़ाम की हम बात करें या डेट की बात करें, तो मे बी आई थिंक इट इज़ इन सेप्टेम्बर लास्ट वीक और इन अक्टूबर फर्स्ट वीक। सो वी हैव इनफ टाइम, इवन दोज आर स्टडीड वेल फॉर दिस एग्ज़ाम। सम ऑफ दैम नहीं पढ़ पाए थे सारे एग्ज़ाम्स, सारे सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो कैटेगरी इज वेरी डिफरेंट। मींस सब कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर लिया होगा कंप्लीट, बहुत अच्छे से तैयारी हुई, कई लोगों की तैयारी नहीं हुई होगी, कई लोगों ने जस्ट फॉर्म लास्ट टाइम पे भर दिया होगा। चलिए आप भर देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? वी हैव अ टाइम राइट नाउ, हम अभी भी कर सकते हैं। इवन अगर आपका एक भी सब्जेक्ट नहीं हुआ है, आपने एक पेज भी नहीं पढ़ा है, तो आप तब भी कर सकते हैं। और दोज हैव स्टडीड वेल, ये उनके लिए एक रिविज़न प्लान हो सकता है कि आप अच्छे से रैंक ला सकते हो, इवन रिवाइज कर सकते हो। सो मैं ये दिस इज़ माई प्लान आई थिंक, बट फॉर मी इट्स इफेक्टिव बिकॉज आई हैव यू नो इस फॉर मी इज इफेक्टिव। तो आई थिंक यू शुड यू नो फॉलो दिस एंड दिस प्लान, एंड सो लेट्स डिस्कस दिस प्लान। सो फर्स्ट आई एम डिवाइडेड द सब्जेक्ट इन थ्री कैटेगरी, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इन वॉट इज इन ग्रुप ए, ग्रुप ए इज अ आर नॉन क्लिनिकल एग्जाम्स, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। दीज आर एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, माइक्रो, पीएसएम, फार्मा। दीज आर लेंदी ड्राई सब्जेक्ट, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, यू नो लेंदी होते हैं, थोड़े अनइंटरेस्टिंग होते हैं, सो वी डोंट लाइक इट। बट मैंने ये किया है, मेरी कैटेगरी यही होती है कि आई लाइक दिस सब्जेक्ट इन ग्रुप ए। देन ग्रुप बी, दीज आर मोर क्लिनिकल सब्जेक्ट, तो हमें इनमें कहीं ना कहीं यू नो केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, हमें अलग सिनेरियो से पढ़ना पड़ता है। तो दीज आर सर्जरी, गाइनियोप्स, मेडिसिन, पीड्स, पैथो, ऑप्था एंड ईएनटी। देन ग्रुप सी, दीज आर स्मॉल सब्जेक्ट्स, हम जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं, बट दे आर द यू नो मार्क वाइज दे आर वेरी गुड, दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर स्मॉल बट दे आर इम्पोर्टेंट। अगर आपने इनको भी कंप्लीट किया है तो भी आपको करना ही है इनको कंप्लीट, इज़ नॉट लाइक दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यू हैव टू डू ऑल सब्जेक्ट्स, आपको ऐसा नहीं करना होता कि यू नो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इज ऑल सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट। आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना ही है। नाउ लेट स्टार्ट टुडे, ये यू नो फॉर रिविजन प्लान भी है। इज़ अगर आपने नहीं कम्प्लीट किया है तो भी, इवन आपने कम्प्लीट कर लिया है तो भी, अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो भी, लेट स्टार्ट टुडे, फ्रेश स्टार्ट, रिविजन स्टार्ट, वॉट एवर यू से, बट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज है 20/5/2021, हमारे पास अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है सेप्टेम्बर लास्ट वीक। सो वी हैव द ऑलमोस्ट 4.5 months, इज इनफ टाइम, वी कैन स्टडी। नाउ वॉट इज द, आई डिवाइडेड द डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। ग्रुप ए इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज अ सर्जरी 15 days, gynae of 15 days, medicine 25, peds 5 days, patho 5 days, optha 10 days, ent 6 days. You may be thinking patho only for 5 days, but yes, I studied general patho is a 5 days, you know, then systemic study, systemic patho I studied with medicine. So medicine 25 days, so medicine always study with systemic patho, peds and pharma and physiology. So it is almost in 2.5 months, means May, June and July. You will complete this in July, till July. Then group B is anatomy 20-30 days, physio 15 days, biochem 15 days, micro 15 days, PSM 15 days, pharma 15 days, almost 2.5 months. So you are thinking we have only 4.5 months. So you know, मैं क्या बोल रही हूँ कि this will complete it is a 5 months. So here is my plan. This is my plan.
इफ यू कैन सी दिस इज माई प्लान. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान योर डेज. लाइक डेज नॉट डेज इज अ डे. हाउ डू यू प्लान योर डे? लाइक डेली सब्जेक्ट डिवाइडेड इंटू थ्री पोर्शन. तो अब आई एम सेइंग डेली डेज. तो ग्रुप ए डेली आपको ग्रुप ए का 1 आवर पढ़ना ही है. आप एनाटॉमी डेली पढ़ेंगे, आप फार्मा थोड़ा डेली पढ़ेंगे. बिकॉज ये क्या होता है ना, फॉर मी इज लाइक इफेक्टिव. हाउ इट इज़ इफेक्टिव कि हमें पता भी नहीं चलता हम डेली 1 आवर पढ़ते हैं और कब हमारा एनाटॉमी 20 डेज में, फार्मा 15 डेज में, माइक्रो वी कांट स्टडी. मतलब लाइक इवन फॉर मी आई कांट स्टडी कि मैं जब बस फार्मा लिख में माइक्रो लिख के बैठ जाऊँ बस 4 दिन में या 5 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर. फॉर मी इस लाइक आई कांट डू दिस. सो व्हाट आई डू, आई डेली स्टडी एनाटॉमी इन अ मॉर्निंग 1 आवर इनफ. 1 आवर आई स्टडी. देन आफ्टर दैट ग्रुप बी 3 and 4 hours. मीन्स लाइक अब आपने सर्जरी लिया, कुछ भी लिया, गायनी ऑफ, आपको 3 to 4 hours पर डे पढ़ना है. देन ग्रुप सी 1 आवर डे, यानी कि जो स्मॉल सब्जेक्ट हैं आपको हाफ आवर लेना है विद MCQs. सो हाउ यू विल डू, यू आपका प्रायर, जैसे आप सर्जरी पढ़ रहे हो, अब आपने सर्जरी पढ़ा 3 hours के लिए, 3 to 4 hours, उसके बाद सिचुएशन आ ही जाता, सबके साथ आएगा, आप यू कांट स्टडीज. फिर आपका क्या होता है ना, अरे मन नहीं लग रहा पढ़ने, चलो कुछ कर लेते. चेंज द सब्जेक्ट, डोंट रीड 1 subject अ डे. सो आपको पढ़ना क्या है, आपको अपने सर्जरी लिया 3 to 4 hours पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप बोर हुए, आपने ग्रुप ए पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ा आपने, फिजियो पढ़ा, एनीथिंग, आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, आपको वो डेली पढ़ना है. फिर आपने फार्मा, इवन आप फार्मा भी, अगर फार्मा इन दिस केस आप इस से अगर आप हाफ आवर भी पढ़ोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा 15 से 20 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है. देन आता है ग्रुप सी. ग्रुप सी आई सेट विथ MCQs. ये आपको ना, अगर आप स्मॉल सब्जेक्ट भी लेके चलोगे ना, एनेस्थेशिया उठा लो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पकड़ लो, आपको उसमें आई थिंक हार्डली 10-12 क्वेश्चन होते हैं. आप कुछ मत करो, 2 साल के आधे घंटे में आप 2 साल के सब सब्जेक्ट पढ़ लो, क्वेश्चन करो और उनकी थोड़ी सी थ्योरी देख लो. मीन्स एनीथिंग, एनेस्थेशिया में आपको, एनेस्थेशिया में आपका कुछ भी आ गया, आपने आपको उसको पढ़ना है. जैसे लिडोकेन आ गया, आपको उठाया, लिडोकेन का कोई भी क्वेश्चन आया, व्हाट आई डू, लिडोकेन का कोई भी क्वेश्चन आया, मैंने उसको पढ़ा, और फिर लिडोकेन कितना पेज का, यू नो हाफ पेज का है, तो आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो आपका इसे लिडोकेन कंप्लीट हो गया. तो क्या होता है ना, इससे हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं प्लान्ड होता है, कहीं प्लान नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं हमारा रेंडमली जब काम करता है तो दिमाग हमारा ज़्यादा शार्प होता है. तो हमें ये करना है, अगर आपका डेली प्रैक्टिस MCQs, आपको MCQs डेली करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है. बिना MCQs के आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, इट्स नॉट पॉसिबल. इफ़ नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी, अगर आपका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है पढ़ने का, जो हमारे साथ सबके साथ होता है कि मन नहीं लग रहा है, क्या करें क्या करें, तो सबसे अच्छा है उसे MCQs कर लो. MCQs आप किसके करना है? आपने कहा यार वही बात कर दी, मन ही नहीं लग रहा तो MCQs कैसे करें. MCQs ऐसे नहीं करना कि आप बोले चलो टफ एग्ज़ाम, कुछ सब्जेक्ट उठाता हूँ और उसका करता हूँ. आपको करना क्या है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मान लीजिए गायनी ऑप्स है, या जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका डर्मा स्ट्रॉन्ग है, आपका मन नहीं लग रहा, आप उस दिन ना सिर्फ डर्मा के क्वेश्चन कर लो, कुछ मत करो, 50 करो, 40 करो, कुछ भी करो, बट अपने दिन को खाली मत जाने दो. दिन तो हमें खाली जाने ही नहीं देना. उसके बाद हमारे पास क्या होता है ना, कि ये रहा मई, आज से जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2.5 months, यानी कि मैं जून जुलाई या अगस्त का थोड़ा बहुत 1-2 weeks ले लो, हमारा थ्योरी विथ MCQs कंप्लीट हो जाएगा अगस्त सितंबर फॉर रिवीजन. सो रिवीजन प्लान आई विल, यू नो जब टाइम आएगा हम तब करेंगे, लेकिन अभी तो स्टिक विथ दिस. देन आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को किस तरीके से और यू नो प्लान चाहिए, क्योंकि आई हैव प्लान्ड, लाइक ये तो प्लान होता ही है, ऊपर से आपको फिर आपको यू नो टॉपिक वाइज भी देखना पड़ता है. अब हर सर्जरी है, गायनी ऑप्स है, कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पूरा सब्जेक्ट तो कंप्लीट होता भी नहीं है, हो जाता है तो हमें पूरा नहीं आता, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो हमें रिवाइज करने ही करने हैं, है? और हाउ टू यू नो, बिकॉज आई लाइक टू स्टडी विथ माई ओन शॉर्ट नोट्स, तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी हैं. तो अगर आपको ये भी जानना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट कैसे उनको बना के रखना है, हाईलाइट क्या करना है, लास्ट डे पे हमें क्या करना है, एनीथिंग, इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग, मतलब एक आपको जो भी क्वायरी है इसकी, आपको मुझे ये बताओ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. फिर मिलते हैं, बाय बाय.